हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। मैं हूँ इस वक्त ड्यूटी पे, क्योंकि मुल्तान आ गई और ड्यूटी भी स्टार्ट थी। और आज जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो मुझे पता चला कि ज़ुबैर साहब नहीं आ रहे, तो मैंने दे दी छुट्टी अपनी स्टाफ को, क्योंकि 8 दिन बेचारी अकेली ड्यूटी करती रही है और आज मैंने की है अकेले ने ड्यूटी। और अकेली ने ही बैठ के चाय भी पी है और काम भी किया। काम बहुत थोड़ा था, एक आधी पेशेंट मैंने आज किया है, बट कल आ रहे हैं ज़ुबैर शहीन साहब वापस और हमने कल से काम करना है सुबह 11 बजे से रात गए तक। और कल मैं जल्दी आ जाऊंगी ड्यूटी पे। हमारी की थी जब हम लाहौर में थे, तो भाई ने लास्ट जो हमारे लिए पार्टी की थी वो थी पिज़्ज़ा पार्टी। उसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकी, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको उसकी वीडियो। भैया ने हमें लास्ट जो पार्टी दी थी वो थी पिज़्ज़ा पार्टी, और उसके लिए वो हमें लेके गए थे एक रेस्टोरेंट, उसका नाम था ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑनलाइन था शायद, बट बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत ही प्यारी थी। उसके कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी जो आपको दिखाऊंगी। और भैया ने हमसे पूछ के 2 पिज़्ज़े मंगवाए थे, बट मुझसे फिर पूछा कि कुछ और खाना है, तो मैंने कहा मुझे पसंद है पास्ता। बच्चों को तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बच्चों ने खूब दिल भर के खाया, और मैंने मंगवाया था पास्ता, बट पिज़्ज़ा इतना टेस्टी था मेरा पेट फिल हो गया था। और पास्ता हम लोगों ने घर के लिए पैक करवा लिया था। शहान शेल्डन जैसा इतने मसरूफ़ थे खाने में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि और भी कुछ है इर्द गिर्द, बट मुझे तो वहाँ की जगह औसम थी, बहुत खूबसूरत थी। एक एक नज़ारा जो था वो बड़ा ही प्यारा था। बच्चों को खड़ा कर कर के मैंने वीडियोस बनाई। पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया यह जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया, खुशियाँ कभी गम भी लिया, रोके कभी हंस के जिया। हमने आइसक्रीम मजे मजे की मजे लेके दिखाओ शान, कौन सा फ्लेवर आप खा रहे हो अभी? आप प्रिंसेस, आप कौन सी खा रहे हो? मैंगो। और ली है ये भैया ने, ये सामने जो शॉप है मालमो। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा और बहुत मज़ा आया मुझे लाहौर में आप ही के घर जाके। अच्छा, बहनों का रिश्ता ही बड़ा प्यारा होता है, इनसे मिलते हैं तो जुदा होने को दिल नहीं करता, बट मैं वापस आ गई हूँ ड्यूटी घर। और बस आप अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि रात को जब हम पहुँचे हैं तो मैंने जब बैग में देखा तो अपन ने मेरे लिए काफ़ी चीज़ें डाली हुई थी ताकि मैं घर जाके खाना ना बनाऊँ, चावल चना चाट और मुर्ग कढ़ाई, तो बड़ी प्यारी होती है ये बहनें। उसे एहसास था कि शायद मुझे घर जाके खाना बनाना पड़ेगा, बट आप ही ने सब कुछ साथ अरेंज करके दिया था।